आज करूंगा ग्रोहे का स्मार्ट कंट्रोल फाइनल फिटिंग, जिसका कंसील फिटिंग काफी दिन पहले किया हूं, आप लोग शायद देखे हो, लगभग 1 मिलियन व्यूज चले गए। ये वीडियो देख सकते हो, काफी मजेदार वीडियो है। सबसे पहले हम इसका बॉक्स कट कर लेते हैं और इसका पूरा सेट करके पानी चालू करके आपको दिखाऊंगा। बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है, वीडियो में पूरा बने रहिए। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ये जो है एक तरीके का प्लग है, मतलब ये लगा रहेगा तो आपका पानी चालू रहेगा और पानी नहीं आएगा बाहर। तो इस तरीके का प्लग है, इसमें आपको पानी चालू करके रख देना पड़ेगा ताकि कहीं पाइप फॉल्ट वगैरह रहता है तो आपको पता चल जाएगा। अपार्टमेंट फिटिंग करने के लिए इसे खोलना पड़ेगा और इसका टोटल 3 आउटलेट है और 2 इनलेट है। अब चलिए इसका बॉक्स खोलते हैं। GTR स्मार्ट कंट्रोल थर्मोस्टेट, मॉडल नंबर 291-21000। इसका अंदर जो है बहुत सारा सामान निकलेगा इतना छोटा बॉक्स में। इसे आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप पहली बार लगा रहे हो तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। अगर आप कभी लगाते हो तो इस वीडियो देखकर आप आराम से लगा सकते हो। ये बॉक्स के अंदर है कलेजा, मतलब स्मार्ट कंट्रोल। और ये स्मार्ट कंट्रोल का तरीका बहुत जो है ना, सभी चीज़ का जो ग्रोहे का आता है वो अलग अलग होता है। इसमें 3 वे है, किसी में 1 होता है, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए जब जैसा वीडियो आएगा तब दिखाऊँगा, सबसे पहले हम इसे फिटिंग कर लेते हैं। अब 3 जो व्हाइट कलर का है वो सिंपल भाषा में बोलो तो डाइवेटर है, वो ऊपर की साइड रहेगा, और नीचे जो है वो ब्लू कलर का वो आपका थर्मोस्टेट है। उसके बाद एक एक स्क्रू यहाँ लगा देना पड़ेगा जहाँ पर हम लगा रहे हैं, देख लीजिए। लेकिन इसे परफेक्ट पूरा टाइट मत कर दीजिएगा, थोड़ा सा लूज रखिएगा, क्योंकि इसका लेवल चेक करना है। यहाँ लेवल 2 सिस्टम से चेक किया जा सकता है। एक आप व्हाइट कलर का डाइवेटर में 3 अच्छे से रख कर बबल लेवल दे के स्ट्रेट देकर उसके बाद टाइट करिए, या फिर दूसरा सिस्टम है ऊपर 2 जो आप गोल्ड कलर का स्क्रू है वहाँ पर लगा सकते हो और उसके बाद बबल लेवल दे सकते हो। उसके बाद ये ब्लैक कलर का 3 है ना, इसमें भी लॉक सिस्टम है, देख लीजिए अंदर एक बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है, उसके अंदर ये जो स्क्वायर जैसा है वो जाके उसमें परफेक्ट देख कर उस तरीके से बैठा देना है और प्रेस कर देना है, तो उसके बाद क्या है लॉक हो जाएगा। और लॉक होने के बाद सभी चीज़ को प्रेस करके बाहर की साइड निकाल लेना है, ठीक है, अंदर नहीं रखना है, बाहर की साइड रखना है ब्लैक कलर का प्रेस करके। उसके बाद ये जो व्हाइट कलर का नोजल दिख रहा है उसे आप राइट साइड घुमाइए इस तरीके से, पूरा राइट साइड इस तरीके से घुमा के उसके बाद आप इस पार्ट को लगा सकते हो। अब ये जो पार्ट में देख लीजिए, यहाँ पर एक लाइन बना है। अब ये लाइन और व्हाइट कलर का जो लाइन है वो दोनों साइड जो है आपका राइट साइड घुमा के रखेंगे तो आपका ये पार्ट जो है अंदर जाके बैठेगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख लीजिए, ये पूरा इस साइड राइट साइड घुमा देना है, ठीक है, इस साइड राइट साइड घुमाने के बाद और उसके बाद इसे आपको प्रेस कर देना है। आप उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए ये प्रेस हो गया और टाइल्स में ये जो है ना पूरा परफेक्ट तरीके से चिपक के रहना चाहिए चारों साइड, ठीक है। उसके बाद इसे आप कटिंग कर सकते हो, ऑरेंज कलर का केप लगा दीजिएगा, नहीं तो स्क्रेचेस हो सकता है, और ये ग्लास जो है नीचे लगा दीजिए, चाय का ग्लास। उसके बाद इस सब जो ब्लैक कलर को उसे आपको काट लेना है। लेकिन ये जो ब्लैक कलर का काट रहे हो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये अंदर प्रेस करके काटना नहीं है, इसे बाहर निकाल करके काटना है, ठीक है। मतलब एक बार प्रेस करिएगा छोटा हो जाएगा, और एक बार प्रेस करिएगा वो बाहर निकल के आ जाएगा इस तरीके से, तो बाहर निकाल के ये सब काटना है। और उसके बाद इस स्क्रू को आप 4 लगाना है, और ये स्क्रू आप पहले लगा के भी ब्लैक कलर का वो काट सकते हो आराम से, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करिए, लेकिन पहले स्क्रू लगा दीजिएगा तो वो भी सही रहेगा, कहीं अगर आपका टाइल्स में बैठता नहीं फिर आप काट लेंगे तो आपको वहाँ पर नज़रअंदाज थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो इसके वजह से बोल दिया पहले स्क्रू भी लगा के आप उसे ब्लैक कलर का स्टिक को काट सकते हो। अब ये हो चुका है मेरा कंप्लीट, मतलब आधा कंप्लीट। अब ये है थर्मोस्टेट ऑपरेटिंग लॉक, ठीक है, इसमें टॉप एक लिखा हुआ है देख रहे हो, तो उसे जो है आपको नीचे यहाँ पर थर्मोस्टेट में लगाना है, स्मार्ट कंट्रोल में वाटर कंट्रोल टेम्परेचर जिसमें, उसमें लगा के ऊपर साइड जिस तरीके से लगाया हूँ उस तरीके से लगाना है। और ये जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, यहाँ देख लीजिए एक साइड आपका थ्रेड है, तो उस थ्रेड को लेके आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से आराम से टाइट कर देना है, मतलब ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, ये सब बहुत नाजुक चीज है, तो आराम से काम करिएगा नहीं तो सब टूट जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर जो है ना एक लॉक सिस्टम है ब्लैक कलर के अंदर, देख रहे हो स्क्वायर, तो इस तरीके से आपका जो चीज़ लगा है टेलीफोन शावर या फिर स्पाउट बॉडी जेड जो भी चीज़ है उसका लोगो दिया है, स्पाउट का लोगो नहीं दिया है तो उसमें बाथटब का लोगो दिया है तो आप बाथटब लगा सकते हो, ये जो है आप रेन शावर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो लोगो है मैं सिर्फ लगा के दिखा रहा हूँ तीनों चीज़, और बाकी कुछ नहीं, इस तरीके से लगा देना है, अच्छे से प्रेस कर देना है। और एक चीज़ है कभी भी खोलना होना इसे, जिस तरीके से फिटिंग किए हो उसी तरीके से खोलिएगा आराम से, ज़्यादा ताकत मत लगाइएगा टूट जाएगा। अब ये जो है मेरा अपर पार्ट पूरा फाइनल लग चुका है। अब वाटर कंट्रोल टेम्परेचर में एक केप है, उस केप का एक लोगो है पतला सा, देख लीजिए यहाँ माइनर से दिख रहा है हल्का एकदम।
नीचे साइड रहेगा, बिल्कुल एक चीज़ है, ठीक है। तो उसे नीचे रख के आप प्रेस कर दीजिएगा, लॉक हो जाएगा। और उसके बाद ये जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पानी चालू करेंगे, साइड में बॉडी जेट स्पाउट सब कुछ लग चुका है। बॉडी जेट का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आ जाएगा, इंतज़ार करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए पहले पानी चालू करते हैं। लेकिन एक चीज़ है, प्रेशर पम्प अभी चालू नहीं है, नॉर्मल प्रेशर है, तो उसमें ही आपको दिखाता हूँ पानी चालू करके। अभी इस सब में प्रेशर पम्प चालू नहीं हुआ है, जब प्रेशर पम्प चालू होगा तो इस सब में बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा और बदन का जितना गंदगी है वो सब जो है बिना साबुन से निकल जाएगा। और अब जो रेन शावर चालू किया है, इसमें एक चीज़ है, रेन शावर और बॉडी जेट दोनों एक साथ यूज कर सकते हो, मतलब दोनों में एक साथ पानी आएगा। अभी चलिए स्पाउट भी जो है तीनों अगर चालू करेंगे तीनों में एक साथ आएगा, लेकिन वो प्रेशर पम्प चालू करेंगे तब एक साथ तीनों में पानी आएगा। जब सैनिटरी फिटिंग हो रहा है तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ स्कीपर पाइप के बारे में। यहाँ पर सिर्फ स्कीपर पाइप में सिर्फ पाइप नहीं, इसके साथ आपको सैनिटरी फिटिंग भी मिल जाएगा। जैसे कि डायबेटर है, इसमें आपको काफ़ी सारा सीरीज मिल जाता है। स्कीपर पाइप में और भी एक चीज़ खासियत है, ये सब डायबेटर जो है आपको हाई फ्लो में मिल जाएगा। आप घर के बंगले के लिए, बिल्डिंग में, सभी जगह में यूज कर सकते हो। बाकी वीडियो में पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।